नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही उपयोगी होने वाला है आप लोग के लिए, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि अगर हम लोग घर का काम करवाते हैं तो कॉलम से लेकर जो दूसरा कॉलम है उसके बीच में कितना दूरी हम लोग रख सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये कॉलम ए है और ये कॉलम बी है, तो कॉलम ए से कॉलम बी का कितना तक दूरी हम लोग है वो ले सकते हैं। इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से समझता है, इसलिए मैं आप लोग को डायरेक्ट एक बनता हुआ जो घर है यहाँ पे जो काम किया गया है इसके माध्यम से समझाना चाहता हूँ। देखिए दोस्तों, जब कॉलम से कॉलम का दूरी का बात आता है तो सबसे पहले दोस्तों आपके दिमाग में आता है कि हमें कॉलम का साइज़ क्या रखना है और उसके बाद कितना दूरी तक हम काम है वो कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हो कि दो तरह का कॉलम का इस्तेमाल किया गया है। ये जो कॉलम आप देख पा रहे हो ये 9 इंच पे 12 इंच के कॉलम का इस्तेमाल किया गया है, उधर कॉर्नर पर देखेगा तो 9 इंच पे 9 इंच का कॉलम का इस्तेमाल भी किया गया है। लेकिन यहाँ पे जो 9 इंच पे 12 इंच का कॉलम जो आप देख पा रहे हो, अगर इस तरीके से आप अपने घर में कॉलम बनवाने वाले हो तो लगभग 14 से 15 फीट तक कॉलम ए से कॉलम बी तक का दूरी आप ले सकते हो। लेकिन उसके लिए सिर्फ आपको कॉलम का साइज़ पर ही नहीं देखना है, उसमें जो लगा हुआ सरिया है उस पर भी आपको गौर है वो करना चाहिए। तो कि जो भी आपका लोड रहता है, जैसे मान लीजिए कॉलम ए से कॉलम बी का जो दूरी है इसके बीच में जो भी लोड आता है तो कॉलम के जरिए वो बीम तक आता है, फिर बीम के जरिए वो फुटिंग तक ट्रांसफर है वो हो पाता है। तो अगर दोनों के बीच में दूरी ज़्यादा रहेगा तो लोड ज़्यादा आएगा, उसके लिए आपको जो कॉलम का सरिया है उसको भी ठीक करना होगा। इसके साथ साथ आपको कितना तल्ला तक ले जाना है उस पर भी आपको गौर है वो करना होगा। जैसे मान लीजिए आपको 9 इंच पे 12 इंच के कॉलम देना है, आपको घर को 3 तल्ला तक ले जाना है, तो इजिली आप कॉलम ए से कॉलम बी का दूरी को 14 से 15 फीट तक आप रख सकते हो। किसी भी तरह का कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगा अगर आप उसमें 4 सरिये का इस्तेमाल कर लेते हो, जिसमें 4 सरिया 16 mm का होगा और 2 सरिया 12 mm का, टोटल 6 सरिया इस्तेमाल आपको करना होगा अगर कॉलम ए से कॉलम बी का दूरी 14 से 15 फीट के आसपास तक का रखना है। दोस्तों बहुत सारे लोग को अभी मैं देख रहा हूँ कि 9 इंची बाई 9 इंच का कॉलम के साथ में अपना घर का काम करवा रहे हैं और वो भी कंफ्यूज है कि 9 इंची का कॉलम में अगर वो 12 mm का 4 सरिया लगाते हैं तो कितना दूरी ले सकते हैं कॉलम ए से कॉलम बी तक का दूरी। देखिए दोस्तों, अगर आप 12 mm का 4 सरिया के साथ में 9 इंची बाई 9 इंची का कॉलम लगाते हो तो लगभग 13 फीट की दूरी तक आप जा सकते हो कम्फर्टेबल जोन में आप रहोगे। मतलब एक रूम जो बना रहे हो आप, जैसे मान लीजिए आप रूम बना रहे हो 12 फीट बाई 13 फीट के आसपास का, तो वो रूम का जो कॉर्नर है वहाँ पे आप इसका काम है वो करवा सकते हो। सिर्फ दो कॉलम के बीच की दूरी आपको 13 फीट तक आप मैक्सिमम है वो ले सकते हो, उससे ज़्यादा दूरी होता है तो फिर आपको जो कॉलम का साइज़ है उसके साथ साथ या जो लगा हुआ सरिया है उसमें भी इजाफा करना चाहिए। जैसे मान लीजिए आपका 14 फीट या फिर 13 फीट के आसपास तक का जो दूरी है वो है कंफर्टेबल जोन में रहना चाहते हो तो आप 9 इंची बाई 9 इंची का एक कॉलम लगाइए, उसमें आप 16 mm का सरिया डाल सकते हो 4 की संख्या में। ये दोस्तों इस वीडियो का निष्कर्ष ये है कि अगर आप 9 इंची बाई 12 इंची का कॉलम लगाते हो, ज़्यादा दूरी तक आप ले जाना चाहते हो, 6 सरिया के साथ काम करवाए हो, तो आप 14 से 15 फीट तक भी जा सकते हो। लेकिन आप 9 इंची बाई 9 इंची का कॉलम लगाते हो तो मैक्सिमम आप 12 से 13 इंच तक 13 फीट तक ही जा सकते हो। बहुत ज़्यादा अगर आपका लोड है, बहुत ज़्यादा अगर आप बड़ा स्पेन डालते हो, दूरी पे कॉलम लगाते हो और बीम का आप ख्याल नहीं रखते हो तो आने वाला दिन में आप प्रॉब्लम में फंस सकते हो। बहुत सारा कमेंट्स आ रहा था इसलिए मैंने आप लोग के लिए ये स्पेशल वीडियो बना दिया। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। एक बात और आपको समझा देता हूँ कि दोस्तों 9 इंची बाई 9 इंची का कॉलम अगर आप लगाते हो अपने घर के लिए, 4 सिरे का इस्तेमाल किया होगा 12 mm का, मैक्सिमम आपको 13 फीट तक का ही ले जाना है दूरी। उसके साथ साथ 9 इंची बाई 12 इंची का कॉलम लगाते हो आप 14 से 15 फीट तक, जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हो, इजिली इतना दूर आप लगा सकते हो। लेकिन आपको 6 सरिया का इस्तेमाल करना होगा, कम से कम 6 सरिया का इस्तेमाल करना होगा। तो इस तरीका से आप अपने बनने वाले घर के लिए कॉलम की जुड़ी जो जानकारी है वो आज ले पाए। उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा होगा, कुछ नया चीज़ सीखने को जरूर मिला होगा। ऐसे बहुत सारे घर का डिज़ाइन वीडियो देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।